भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर कहा कि उनको झुंझुना दिया जा रहा है और ब्लैकमेल करके वह संयोजक बनने जा रहे हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या बंगाल, केरल सहित कई राज्यों में जो सीटों का मामला है वह उसे क्या सुझा पाएंगे? तेजस्वी यादव के द्वारा राम पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। यह बात सही है कि लोगों को राम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा पर उन्होंने कहा कि राहुल जो भी यात्रा कर ले, बस यात्रा करे, ट्रेन यात्रा करे, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका मुद्दा जो था अडानी का वह ख़त्म हो चुका है। और इस पूरे मामले में उन्होंने ये भी कहा कि वह अब इस समय यात्रा कर रहे हैं जब देश में बड़ी बड़ी चुनावी रैली होगी और वह यात्रा पर निकल रहे हैं। संकट मोचन का पोस्टर लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हैं लगाए होंगे, हमें इसकी कोई फिलहाल जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात को उन्होंने कहा कि अरे यह सरकार का मामला है, वह मुख्यमंत्री है, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, पहले तो पद यात्रा की, अब बस में यात्रा कर रहा है, तो जब सारा देश चुनाव की तैयारी कर रहा होगा, बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहा होगा, तब राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। और उसके पहले भी तो मध्य प्रदेश की यात्रा की थी उन्होंने, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्या निकला? वृत्त से हार गए। तो इनकी यात्रा को कोई भाव देने वाला नहीं है, उससे इसका कोई महत्व है। और सुना कि बिहार में भी 5-6 दिन यात्रा करेंगे, तो बिहार में तो इनको 4 सीट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तब राहुल गांधी पद यात्रा कर लें, बस से यात्रा कर लें, हवाई जहाज से यात्रा कर लें, इनका जो मुद्दा था वो ख़त्म हो गया। अडानी अडानी चिल्ला रहे थे और कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और अडानी को क्लीन चिट दे दिया। तो इनके पास मुद्दा क्या है? हर भाषण में नरेंद्र मोदी अडानी, नरेंद्र मोदी अडानी मिले हुए हैं, मदद कर रहे हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, इसके पहले राफेल का मुद्दा था 2019 में, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी हटाओ, देश बचाओ। इस मुद्दे पर लोग कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं। खबर आ रही है कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में जदयू ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, घोषणा सूची घोषणा कर दिया है, ये क्या आके हो रहा है? अब वो क्या क्यों किया ये तो वो जाने। देखिए, नीतीश जी ब्लैकमेल करके संयोजक बनने जा रहे हैं, उनको उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, इसलिए एनडीए गठबंधन से अलग हुए कि जो इंडी गठबंधन है वो उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा। और थमा दिया झुंझुना, संयोजक बनाने जा रहा है। और संयोजक का काम क्या? मुंशी का काम है टेलीफोन करके सूचना देना, मीटिंग बुलाना, कोऑर्डिनेट करना, यही तो काम है। और कौन पूछने वाला नीतीश कुमार को? 44 विधायक के नेता हैं, ममता बनर्जी के 225 विधायक हैं। और बंगाल के अंदर क्या सीपीएम और ममता बनर्जी में समझौता करा सकते? क्या केरल के अंदर कांग्रेस और सीपीएम में समझौता करा सकते? या छोड़िए, यूपी ले लीजिए, क्या यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस और समझौता करा सकते? इसी में खुश है कि झुंझुना मिल गया। और डरा रहे थे 1 महीने से कि अगर कुछ नहीं बनाओगे तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, बीजेपी ने भी अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था। अब इसी में खुश हैं और जदयू के लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर लिया। तो अगर इसी में खुश हैं तो वो खुशी रखें अपने पास। जो एनसीपी मुझे कोई जानकारी नहीं इसकी। तेजस्वी यादव ने बोला है कि मंदिर से ज़्यादा ज़रूरी है ये अस्पताल या फिर शिक्षा, मैंने इसको तो वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, सब मंदिर मस्जिद को तोड़वा दें और अस्पताल बना दें। अरे जो बीमार पड़ेगा वो अस्पताल जाएगा, लेकिन अगर किसी को मानसिक शांति चाहिए, आध्यात्मिक शांति चाहिए, तो उसको मंदिर की आवश्यकता है। राम और रोटी, इस दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। आदमी को राम भी चाहिए, आदमी को रोटी भी चाहिए, आदमी को ईश्वर की प्रार्थना भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी है। तो फिर तिरुपति क्यों गए थे? चार्टर प्लेन करके 50 लाख रुपया खर्चा करके और बाल छिलवाने के लिए क्यों गए थे तिरुपति? नहीं जाना चाहिए था तिरुपति जो है? तो देखिए, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना, ठेस पहुंचाना,
ये जो इंडी गठबंधन है उसका ये मकसद है, और यही तेजस्वी यादव है जिनके पिता लालू यादव ने, जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी तो उसका समर्थन किया था, तो कार सेवकों पर गोली चलाने वाले, कार सेवकों को पकड़ कर जेलों के अंदर बंद करने वाले, मैं भी यहीं बिहार की जेल में था एक महीना करीब, और वो लोग आज राम जन्मभूमि के मुद्दे पर मजाक उड़ा रहे हैं। और ये कोई नरेंद्र मोदी की सरकार मंदिर थोड़ी बनवा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है, और जिसे इस देश के करोड़ों हिंदुओं ने सहयोग किया, चंदा दिया है, उस पैसे से मंदिर बन रहा है, तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। ये लोग कहते थे जब वो विवाद चल रहा था कि राम का जहाँ जन्मस्थान है वहाँ पर गुरुद्वारा, वहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए, इनकी हिम्मत है तो ये कह दें कि जहाँ पर राम का मंदिर बन रहा वहाँ पर हमारी सरकार आएगी तो मस्जिद बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे। अस्पताल का अपना महत्व है, मंदिर का अपना महत्व है, उस दोनों में कोई विरोधाभास, जिसे मैंने कहा कि राम और रोटी ये दोनों आदमी की आवश्यकता है। इंडी गठबंधन में बिहार के पटना के खास करके सड़कों पर लगा है बिहार के संकट मोचक सुशील कुमार, किस तरह के संकट मोचक किसी ने लगाया होगा, जो समर्थक हैं जो कार्यकर्ता किसने लगा दिया होगा, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज भी आपसे लोगों का उतना ही प्यार है सर, उतना ही स्नेह है, वही देखा जा रहा है पोस्टरों के माध्यम से। लेकिन फिर एक से सक्रिय, एक बार फिर से सक्रिय बिहार की राजनीति, फिर क्या सक्रिय हैं, फिर से एक बार क्या, लगातार सक्रिय हैं, राज्यसभा में रहकर पार्टी का काम कर रहे हैं, और इतने वर्षों तक काम किया तो हजारों कार्यकर्ता हैं जिनसे व्यक्तिगत संबंध है, तो किसी ने प्रेम मोहब्बत में लगा दिया होगा, मुझे नहीं जानकारी है क्या मकसद है, क्यों लगाया है। दिल्ली के प्रवास को लेकर के कयास लग रहे थे, इसी के चलते राम को मांसाहारी बताया, वो मांस खाते थे। देखिए ये सब बकवास की बातें, वो मांस खाते थे कि फल खाते थे, इसका क्या मतलब है, इसका क्या औचित्य। इसे मैंने कहा कि इंडी गठबंधन के तमाम नेता हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, जलील करना, उनका मजाक उड़ाना, उनके बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग करना, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, और एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहते हैं, खास करके जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मैं इंडी गठबंधन के नेताओं से अपील करूंगा कि अपने लोगों को नियंत्रण में रखें, समाज में तनाव पैदा न करें, देवी देवताओं के बारे में कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी न करें, अशोभनीय टिप्पणी न करें। सर, अभी अभी खबर आ रही है कि